आपने मुझे बिना सीट बेल्ट के देखा है? हाँ जी, पक्का देखा है? चलो जी, अब आपने देखा है तो सर हम भी चलो। कैमरा है कहाँ? ये रहा, लगाओ लगाओ निकालो, पक्का ना? अपनी उस पर रहोगे ना स्टेटमेंट पे? और रहेंगे कहाँ जा रहे हैं? चलो कोई नहीं सर। आज की डेट में कार में डैश कैम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसका रीज़न यह है कि डैश कैम आपको हमेशा सच दिखाता है और किसी के भी फॉल्स क्लेम से बचाता है। चाहे वो फॉल्स क्लेम करने वाला स्टेट का सबसे बड़ा पंडित हो, मौलवी हो, पुलिस कमिश्नर हो या फिर चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, मल्टीपल स्कैम्स से ये चीज़ लोगों को बचाती आई है, जो पैसे हटने के लिए आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है। और ऐसे कई सारे वीडियोज़ हम आए दिन देखते रहते हैं। आज एक काफ़ी शॉकिंग वीडियो सामने आया, जिसे देखकर आप एक चीज़ साफ समझ जाएंगे कि स्कैम सिर्फ कोई अनजान लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं जिन्हें आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए सड़क पर तैनात किया गया। ये वीडियो एक अनोनिमस मेंबर ने फेसबुक ग्रुप पर शेयर किया था, जिन्होंने बताया कि ये घटना 12 सितंबर 2024 यानी आज ही हुई है। यहाँ द्वारका भारती चौक ब्लंट लाइन्स पर संजय कुमार ASI ने उन्हें गलत तरीके से रोका और बताया कि वो बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे थे। हालांकि पूरे वक्त यहाँ ओनर ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जो वीडियो से साफ है। ओनर ने यहाँ एक लाइट कलर की शर्ट पहनी थी, जिसमें धोखा होने का भी चांस नहीं बनता है, जैसे ब्लैक शर्ट पर एक बार के लिए शायद सीट बेल्ट ना दिखाई दे। डैश कैम होने की वजह से ओनर ने यहाँ कॉन्फिडेंटली ASI संजय कुमार को कन्फेस किया। बाद में ASI ने अपना ID कार्ड दिखाने से भी मना कर दिया, ये जानने के बाद कि उसका झूठ पकड़ा गया। इस वीडियो को आप आगे पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वीडियो दिल्ली पुलिस तक पहुँच सके और ASI संजय पर एक्शन लिया जा सके। बार इसी बात का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि इंडिया में सिख धर्म के लोग खतरे में हैं, इसलिए ये खालिस्तान चाहते हैं। नहीं तो वैसे कोई भी इनसे एक रैशनल बात जब करता है कि खालिस्तान की नीड क्या है, इंडिया में आप अगर देखो तो हर जगह सिख्स की बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। आबादी के हिसाब से आप अगर देखें तो सिख फेथ के लोगों की बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे आप गवर्नमेंट में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए। तो अब देखो होगा क्या कि इस स्टेटमेंट को ना गलत तरीके से जो ये खालिस्तान के प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं ये यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल यही पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी अचानक से US क्यों चले गए थे। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द एक्चुअली सितंबर के अंत में, अभी सितंबर 11 चल रहा है, कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स या फिर कंट्रीज के जो विदेश मंत्री है ये पहुंच जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में। हेडक्वार्टर्स बाय द वे न्यूयॉर्क में आपको मिलेंगे, वॉशिंगटन DC में नहीं। रीजन ये है, एक सेकंड, UN जनरल असेंबली ओपन होने वाली है और बड़े बदलाव। आपने पक्का देखा है? आप कभी आपका देखा हो गलत ना हो जाए। आप सर एक बार यहाँ आ जाओ ना, चला नहीं लो, अभी आप रिकॉर्डिंग पे हो। आपका नाम है संजय कुमार ASI, आपने मुझे बिना सीट बेल्ट के देखा है? हाँ जी, पक्का देखा है? चलो जी, निकालो कैमरा। अब आपने देखा है तो सर हम भी चलो। कैमरा है कहाँ? ये रहा, लगाओ लगाओ निकालो, पक्का ना? अपनी उस पर रहोगे ना स्टेटमेंट पे? और रहेंगे कहाँ जा रहे हैं? चलो कोई नहीं सर। क्या है, कौन सा है? तो ये बात का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि इंडिया में सिख धर्म के लोग खतरे में हैं, इसलिए ये खालिस्तान चाहते हैं। नहीं तो वैसे कोई भी इनसे एक रैशनल बात जब करता है कि खालिस्तान की नीड क्या है। इंडिया में आप अगर देखो तो हर जगह सिख्स की बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, आबादी के हिसाब से आप अगर देखें तो सिख फेथ के लोगों की बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे आप गवर्नमेंट में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए। तो अब देखो होगा क्या कि इस स्टेटमेंट को ना गलत तरीके से जो ये खालिस्तान के प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं ये यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल यही पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी अचानक से US क्यों चले गए थे। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द एक्चुअली सितंबर के अंत में, अभी सितंबर 11 चल रहा है, कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स या फिर कंट्रीज के जो विदेश मंत्री है ये पहुंच जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में। हेडक्वार्टर्स बाय द वे न्यूयॉर्क में आपको मिलेंगे, वॉशिंगटन DC में नहीं। रीजन ये है, एक सेकंड, UN जनरल असेंबली ओपन होने वाली है और बड़े बदलाव। आपने पक्का देखा है? आप कभी आपका देखा हो गलत। तो आपने देखा यहाँ क्या हुआ? ओनर की हंसी देखकर आप समझ सकते थे कि उन्हें पता था कि ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ गलत आदमी को पकड़ लिया, जिसका सिंगल रीजन कार में डैश कैम का होना था। और लग रहा था कि वो ऐसे किसी दिन का या मोमेंट का वेट कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने केबिन व्यू को रिकॉर्ड करने वाला डैश कैम भी लगाया था, क्योंकि ऐसी लूटपाट बहुत ही कॉमन हो चुकी है।
यहाँ कितने सारे लोग बिना मतलब का चालान देकर गए होंगे जिनके पास कोई फुटेज नहीं थी ये प्रूफ करने के लिए कि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे एक्स हैंडल पर इसे रीट्वीट जरूर करें दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए, ताकि संजय कुमार और इन जैसे करप्ट ऑफिसर्स पर सख्त कार्रवाई करी जा सके जो भोले वाले सिविलियंस को लूट रहे हैं जिनकी सेवा और सुरक्षा के लिए ये सड़क पर खड़े हैं। यहाँ पर एक सही एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो होपफुली दिल्ली पुलिस करेगा, क्योंकि ये हमेशा एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर एक्स जहाँ पर भी कर सकते हैं। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।